हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बादशाह ऑफिशियल लर्न। फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बादशाह अंसारी और आप देख रहे हैं बादशाह ऑफिशियल लर्न। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट कराएं बिना एप्लीकेशन के और बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, तो कनेक्ट का इन द सेंस मतलब ये कि अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में मिरर कैसे करें। जैसे ये मिरर करने पे मतलब अपना जो फ़ोन जो डिस्प्ले है वो अपने कंप्यूटर में शो करेगा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपने डिस्प्ले पे। तो फ्रेंड, ये मेरा लैपटॉप है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा। मैं एक छोटा सा 2 MB के सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। और चीज़ यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ जाएंगे अपने कंप्यूटर में, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करके रखा है। देखिए, इधर आएंगे, दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, नीचे स्क्रिप्ट, ये स्क्राइब करके एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं बस इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ और बस आप डाउनलोड कर लेंगे, छोटा सा फाइल है। और इस चीज़ को यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, ये यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे और कुछ नहीं करना है। आपके सामने मैं लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट कराते हैं अपने कंप्यूटर पर। ठीक है फ्रेंड, तो छोटा सा काम करेंगे अपने मोबाइल पे जाके, मोबाइल पे हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे उसमें। बस डिबगिंग को ऑप्शन को ऑन कर लेना है। डिबगिंग कहाँ से आता है, डिबगिंग वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए हूँ और नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए नीचे हर किसी के फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाएगा। ठीक है, आप ढूंढेंगे या सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है, नहीं तो इसके नीचे दिखाता है। अबाउट फोन जो दिख रहा है ना, इसी के नीचे जस्ट फोन वो दिखाता है डेवलपर ऑप्शन, तो अभी दिख नहीं रहा है। तो आपके फ़ोन में भी हो सकता है ना दिखे, तो आप अबाउट फोन में जाओगे और यहाँ पर मेरे फ़ोन में तो कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि मॉडल के हिसाब से अपना सब कुछ सेटिंग चेंज होता है। ठीक है, तो जो भी रहेगा सेटिंग भले से चेंज रहे, बट वो चीज़ जो आपको चाहिए वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा वो नहीं दिख रहा है, तो क्या हम करेंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और ये बिल्ड नंबर जो होता है ना, ये बिल्ड नंबर आपको दिख रहा है, ये बिल्ड नंबर ये आपको ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढो या तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में ढूंढ लो। बिल्ड नंबर पर आप 4 टाइम टैप करेंगे, किसी फ़ोन में 7th बार टैप करना पड़ता है, मेरे में 4th बार टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये डेवलपर मोड ऑप्शन ऑन हो गया। यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड। ठीक है, तो आपके हो सकता है फ़ोन में पासवर्ड ना मांगे, मेरे मांग रहे सिक्योरिटी के तौर पर। तो हम अभी चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में, यहाँ देखिए मेरा डेवलपर मोड ऑन हो गया। नीचे देखिए सबसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और अपने फ़ोन में थोड़ा स्क्रॉलिंग करूँगा, यहाँ देखिए डिबगिंग टैब के अंदर USB डिबगिंग दिख रहा है, मैं इसको ऑन कर दूँगा। ठीक है, ओके कर दूँगा। ठीक, बस इतना ही करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड, मैं अपने सिस्टम पे आ गया और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ 2 मिनट। ठीक है, मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया PC से, यहाँ दिख रहे मेरा फ़ोन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी C ड्राइव को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँगा, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन होगा ऑटोमेटिक और जो भी आपका फ़ोन का स्क्रीन होगा, ठीक है, उस पर चलेगा और उसके बाद सीधे सीधे ऑन हो जाएगा। ठीक है, परमिशन मांगेगा आपको फ़ोन में, आप ओके कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। प्रेस यानी कि आप जैसे कोई भी की प्रेस करेंगे तुरंत आपका वो डिस्प्ले पे शो कर देगा कि आपका फ़ोन का जो भी डिस्प्ले होगा वो इस पर शो करेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये मेरा डिवाइस देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखिए फ्रेंड, मैं अपने फ़ोन में जो भी यूज़ करूँगा यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखिए मेरे कंप्यूटर में सारे, मैं भी अपने कंप्यूटर से ही चला सकता हूँ इसको, जो भी हमको यूज़ करना है
कंप्यूटर से भी यूज कर सकता हूँ। माउस अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, देखिए माउस का मेरे यहाँ पे कर्सर भी शो कर रहा है। मैं अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये फ़ोन भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे माउस का यूज़ कर रहा हूँ, माउस का भी चल रहा है, ठीक है। तो हम अपने फ़ोन को ऐसे थोड़े से ट्रिक से हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम यूज़ किए हैं एक छोटा सा डाटा केबल और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें यूज नहीं हुआ है, आप ऐसे ही इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब अपने फ़ोन को अपने अपने लैपटॉप से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब तो मत भूलिएगा फ्रेंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।